नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे भाद्रपद अमावस्या 2023 के शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी अन्य विशेष जानकारी। हिंदू धर्म में पितरों की शांति के लिए अमावस्या तिथि का श्राद्ध उत्तम माना गया है। इसे पूर्वजों के निमित्त तर्पण दान पूजा करने से 7 पीढ़ियों तक खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भादों की अमावस्या को कुशोत्पत्नी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या और पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भाद्रपद अमावस्या की डेट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की सही डेट, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, अन्य जानकारी। पहले जानते हैं इसका महत्व। भाद्रपद माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भाद्रपद अमावस्या पर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। पीपल में देवों का पास होता है। शाम के समय वहां पर पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। और अब जानते हैं अमावस्या की तिथि की शुरुआत कब हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 14 सितंबर दिन गुरुवार को प्रातःकाल 4:48 से लगेगी। अमावस्या तिथि 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 तक रहे। ऐसे में उदिया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर को है, इसी दिन मनाई जाएगी। और आप जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन 14 सितंबर के दिन भाद्रपद अमावस्या पर स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन का ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:32 से लेकर के प्रातःकाल के 5:19 तक है। उसके बाद आप शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर के सुबह के 7:35 के बीच में भी स्नान और दान कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र क्या है। इस साल की भाद्रपद अमावस्या साध योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 4:54 तक सुबह के है। वहीं साध योग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 3 सुबह तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। भाद्रपद अमावस्या को सूर्योदय सुबह के 6:05 पर होगा। और अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या पर पूजन का प्रदोष, व्रत का समय। अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। पिठौरी व्रत प्रदोष मुहूर्त 14 सितंबर को शाम 6:28 से लेकर के रात के 8:47 तक रहेगा। और इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि होगी 2:20 की, यानी कि आपको 2:20 का समय मिलेगा पूजा के लिए। आप जानते हैं भाद्रपद अमावस्या व्रत पर धार्मिक कर्म कौन से किए जाते हैं। इस दिन स्नान दान और तर्पण के लिए अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। इसके बाद नदी के तट पर पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जा सकती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। अमावस्या शनिदेव का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। दोस्तों ये थी भाद्रपद अमावस्या की जरूरी सारी जानकारी और
अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सत स्नेह नमस्कार।